चलो सबसे पहले तो मैं राहुल जी को, उनके पिताजी यहाँ पे, उनकी दादी जी भी बैठे हैं, उनकी माता जी को, यानी कि उनके पेरेंट्स को मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ, जिन्होंने इतना इंटरेस्ट लेके मेहनत करके बच्चे को सपोर्ट किया, बच्चे में जो टैलेंट था उसको उभारने में उसकी मदद की। उसके साथ साथ मैं राहुल जी को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ अपनी तरफ से, अपने अखनूर शहर की तरफ से, अखनूर तहसील के सभी वासियों की तरफ से, कि इसने इतनी मेहनत करके और अपने आप में जो इनमें टैलेंट था उसको उभारा है और आज इस मुकाम पे नेशनल लेवल की जो टीम है हमारी दिव्यांग क्रिकेट बोर्ड ऑफ इंडिया के थ्रू जिनकी सिलेक्शन हुई है, और हमें खुशी होती है कि ये इंटरनेशनल लेवल पे अब अखनूर की तरफ से, इंडिया की तरफ से, भारत की तरफ से खेलेंगे। मैं तो ये कहूँगा कि हमारे इस प्रदेश के, इस देश के, और ख़ास करके जो अखनूर के बच्चे हैं उनके लिए ये एक प्रेरणा स्रोत है। ही इज गोइंग टू बी अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन फॉर द यंग पीपल ऑफ आर एरिया, दैट इज अखनूर। मैं बच्चों को, आप सब बच्चों को जो यहाँ पे जो खड़े हैं, कि इनसे प्रेरणा लेके अपने एरिया में, अपने अपने फील्ड में, चाहे वो स्पोर्ट्स है, चाहे एजुकेशन है, उसमें मेहनत करें, और जो भी वो पाना चाहते हैं, अगर राहुल शर्मा जी यहाँ से निकल के एक मुकाम पे पहुँच सकते हैं, तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ के जो नौजवान हैं वो सब अपने अपने मंजिल को हासिल कर सकते हैं। और मैं इसके साथ साथ एक और मैसेज यहाँ से, बहुत ही ज़रूरी मैसेज देना चाहता हूँ, कि हमारे युवा पीढ़ी कहीं ना कहीं थोड़ी अपने रास्ते से बढ़ रही है, दिख रहा है कि डी ट्रैक हो रहे हैं, वो जो सुनने में हमें आता है वो नशे की तरफ जा रहा है या और दूसरी बुरी आते हैं, उनसे दूर होके राहुल जी को एक प्रेरणा स्रोत मान के वो मेहनत करें, नेक निष्ठि से, जिसको कहते हैं डेडिकेशन से, डिवोशन से, सिंसियरिटी से, हार्ड वर्क विद कंसिस्टेंसी करें और अपनी अपनी मंजिल को हासिल करें। मैं इनको, राहुल जी को, एक बार फिर बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। टेक वन अब आपके व्हाट्सएप पर, व्हाट्सएप करिए हाय 9728253663 पर।